New riding gears for me. Let's unbox. Super excited. ओके जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी कैसे है, स्टिचिंग कैसे है, आर्मर्स वगैरह, फिटमेंट कैसा है, फिटिंग वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। लार्ज साइज जो पैंट है बिल्कुल परफेक्ट फिट है, एकदम एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज इलास्टिक, सो आपको एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से इजीली कर सकते हैं आप। और ये जैकेट जो है इट्स एक्सेल, दिस इज हाउ इट फिट्स रियली वेल। बट ओवरऑल फिटमेंट या क्वालिटी की बात करूँगा तो मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही है। केवल एक जगह पे यहाँ पे सीमा है, दैट्स ऑल। और यहाँ पे है रिफ्लेक्टिव, जो लाइंस हैं ये अच्छी हैं और अच्छा फिट हो रहा है मुझको। दिखने में भी ठीक ठाक ही है, नॉट बैड। यहाँ से काफ़ी अच्छा स्ट्रेच कर सकते हैं, तो स्ट्रेच होने की वजह से काफ़ी कंफर्ट बढ़ जा रहा है। ओवरऑल कितना इफेक्टिव है या नहीं है ये तो एक बार राइड पे जाएंगे और पता लग ही जाएगा। यहाँ पे एक पॉकेट है, ये शायद से वाटरप्रूफ रहेगा। एक पॉकेट इधर है, ये वाला जो है ये वाटरप्रूफ नहीं है। बाहर की तरफ में नॉर्मल से जो पॉकेट रहते हैं वो हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने बैजिंग ज़्यादा नहीं की है। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, यहाँ पे है, विच इज़ ओके। इसके जो लाइनर्स हैं इसके अंदर थर्मल लाइनर्स नहीं आते, रेन लाइनर्स आते हैं। और रेन लाइनर्स को आप बाहर से भी पहन सकते हैं। हाँ, अगर आप बाहर से पहनते हैं तो कुछ ऐसा नज़र आता है, लुक्स गुड, बढ़िया दिखता है ना। इतना इफेक्टिवली काम करता है ये देखने वाली बात है। ओके, ऑलराइट। सो ये जो मोबाइल माउंट है ये मैंने एक्सक्लूसिवली, मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल माउंट है, लेकिन वो ज़्यादा फेवर करता है हैंडल बार माउंट के लिए। और ये जो स्पेसिफिकली मैंने लिया है टाइगर के लिए, क्योंकि मोबाइल का इमेज स्टेबलाइजेशन, अगर एक्सेसिव वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप अपने मोबाइल को रखते हैं तो उसका इमेज स्टेबलाइजेशन के ऊपर बहुत इम्पेक्ट आता है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक माउंट मंगाया था। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसके पीछे की तरफ में वो माउंट इंस्टॉल होता है, उस माउंट पे ये वाला जो ब्रैकेट है ये इजीली फिक्स हो जाता है और यहाँ पे इसको माउंट कर सकते हैं और वाइब्रेशन फ्री हो जाएगा आपका। वाइब्रेशन फ्री तो नहीं होगा बट बहुत हद तक वाइब्रेशंस आपके मोबाइल के इमेज स्टेबलाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। उसी के चलते मैंने ये मोबाइल होल्डर मंगाया है, ASG का है। ये हुक्स इस तरह से डिजाइन किए हैं जो एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, मोबाइल का इससे डिटैच होकर गिरने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑल राइट, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। चलो इसको टेस्ट करते हैं अब। हेलो, फोन कनेक्टेड। और ये जो है ये फोन मैं यूज करूंगा आज के बाद नेविगेशन के लिए, सो लेट्स चेक द स्टेबिलिटी। मेन इंटेंशन ये है कि अपने को चेक करना है इसका स्टेबिलिटी कैसा रहता है मोबाइल होल्डर का, और अपना जो राइडिंग जैकेट और पैंट है ये सीमा का, इसका कितना रहता है, कितना इफेक्टिव है ये, क्योंकि ये समर राइडिंग जैकेट एंड पैंट हैं। तो चलो आई थिंक वी आर गुड टू। वैसे तो कोई ज़्यादा मैप की ज़रूरत नहीं है, राघवेंद्र मोटर। हाँ, स्टर्डी लग रहा है मुझे, ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं हो रही है वहाँ पे, दैट्स अ गुड साइन। लोग क्या बाइक को देखने के लिए रुक जाते हैं, विच इज़ थोड़ा सा स्कैरी। फ्यूल भी है और मैंने जो अभी फ्रेम बैग्स लगाए हैं, आई होप दे ऑल्सो वर्क फाइन। बॉय ओ बॉय। सो अभी बहुत लंबी जर्नी करनी है, बिकॉज यहाँ से 33 किलोमीटर्स है राघवेंद्र यामाहा R15 V4 का एक टेस्ट राइड लेंगे और अपने दोनों जो आइटम्स हैं इनका भी अपने को आइडिया लग जाएगा हाउ आर दे परफॉर्मिंग। ट्रैफिक तो यहाँ से मिलेगा अपने को, राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बालानगर। और अभी का जो जंक्शन था यहाँ पे, क्या केओटिक जंक्शन है यार ये,
क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शंस में जाना होता है लोग, और मल्टीपल डायरेक्शन से आते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और ट्रैफिक के साथ साथ में सिग्नल हैं, और रोड भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है बारिश के चलते। पीछे लगा दो, ओके। वेरी लाइट बाइक। ओ बॉय, व्हाट अ गियर शिफ्टिंग यार। सो दिस VVA, नो चलो, थैंक यू, बाय, सी यू। दैट्स निलेख, शोरूम ओनर, एंड हियर आई गो। ओके, इट इज रियली हॉट राइट नाउ। लेट मी शो यू हाउ मच दिस टेम्परेचर। 35 डिग्रीज नाउ, बट कम ऑन यार, ADV इज एन ADV यार, व्हाट कंफर्ट इट ऑफर्स। ओह मैन, एंड आई वाज टू अपडेट यू ऑन द मोबाइल होल्डर, इट रियली वर्क वेल, वंडरफुल, वेरी गुड मोबाइल होल्डर। सो फार आई एम लविंग इट, इट होल्ड द फोन रियली वेल यार। चलो 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 चलो, यू बेबी, वन आवर 30 मिनट्स फॉर 30 किलोमीटर्स, व्हाट अ शेम। ओके, ऑल राइट। अभी क्विकली मैं बताता हूँ कि इसमें पॉजिटिव्स क्या लगे। इसका डिज़ाइन अच्छा है, मतलब कि लुक वगैरह भी बहुत अच्छा है। एयर फ्लो बहुत अच्छा हो सकता था इसकी, क्योंकि मैश की जो विंडोज़ हैं वो बहुत अच्छे से प्लेस की हैं। इसमें प्रॉब्लम है तो इसका आर्मर्स का है। आर्मर्स को आप देखो, एक ज़रा भी परफोरेशन नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बना रखे हैं, दैट्स इट। इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एयर फ्लो बहुत अच्छा हो सकता था, बट आर्मर्स हैव लेट डाउन। हाँ, इसका जो स्ट्रेच विंडो है पीछे की तरफ में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उससे आप अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। अब नेगेटिव क्या है इसके अंदर, जो आर्मर्स हैं वो इतने सही नहीं है, एयर फ्लो इतना अच्छा नहीं रहता। इसका जो पैंट है, इसका पैंट का जो थाई आर्मर्स हैं वो आप हटा ही नहीं सकते, उसमें एक पतला सा फॉर्म है, दैट्स इट। और वो डिटेचेबल है ही नहीं, उसको किसी और से रिप्लेस कर ही नहीं सकते आप। थाईज का प्रोटेक्टर है ना, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, आपको इसके साथ में रखना ही पड़ेगा। दैट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे ये बस स्टिचिंग किया हुआ है इन्होंने, दैट्स इट। तीसरी प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसका जो फैब्रिक है, ऑल्दो बहुत अच्छा है, स्ट्रेच पार्ट या फिर जहाँ पे भी इम्पैक्ट पार्ट है वहाँ पे डबल लेयर है, इवन कि आपका जहाँ पे सीटिंग एरिया है वहाँ पे लेदर है, लेकिन इसका जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा डस्ट कैचिंग है, बहुत ज़्यादा डस्ट कैच कर लेता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे फाइबर नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट कैचिंग फाइबर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करेंगे तो इसका हाल क्या होगा। अभी का तो इम्प्रेशन यही है, बट देखते हैं आगे जब राइड करेंगे तभी मैं बता पाऊंगा कि कैसा परफॉर्म करता है ये। आई थिंक दैट्स इट, और कुछ इसमें ज़्यादा बुराई नहीं है। हाँ, इसका जो जैकेट है इसकी कीमत है 15,000, और पैंट है इसकी 14,000, टोटल 29,000 रुपीज़ का है। सो ना बहुत ज़्यादा महंगा है, ना ही बहुत सस्ता है। द बेस्ट थिंग वुड हैव बीन, अगर इसका आर्मर्स अच्छे होते तो बेस्ट इज राइडिंग जैकेट और पैंट हो सकता था ये, दैट्स इट। और ASG का जो अपना मोबाइल माउंट है, इट वर्क्ड रियली फाइन सो फार, बिकॉज अभी तो सिटी में राइड किया था, तो उसके हिसाब से मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ, अच्छा माउंट है, और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करेंगे तब रियल फीडबैक भी दे सकूँगा मैं आपको, दैट्स इट। और यही है एक छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और मिलता हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर, बाय बाय।